डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है आपका 5th of April 2024, दोपहर के 2 बजे है। ये जो एनालिसिस है ड्यूरिंग द डे बना रहा हूँ। जनरली आई प्रिपेयर इट बिफोर द मार्केट आवर्स, दैट मीन्स बिफोर 9 AM। करेंटली द डॉलर इंडेक्स जो है आपका 104.23। कल के दिन का जो कैंडल बना हुआ है वो है आपका एक पिन बार एट ए सपोर्ट लेवल। सो इट्स ए सपोर्ट, माइनर सपोर्ट एरिया जहां पे आपका ये इंडेक्स आपका रेस्पेक्ट कर रहा है। डॉलर इंडेक्स को अगर नीचे जाना है तो कल के लो के नीचे, दैट मींस योर 103.90 के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अमाउंट ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट इन दिस इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज योर जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर कल के दिन में एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। कल मॉर्निंग में जो हमने प्री मार्केट एनालिसिस में डिस्कस किया था, एक रेजिस्टेंस जोन जो है आपका 1.2650 से 1.2670। कल के दिन में इट ट्रेडेड हाई ऑफ 1.2683 बट फेल्ड टू सस्टेन बियॉन्ड 1.2670, रेदर मेड एन इन्वर्टेड पिन बार। ये जो इन्वर्टेड पिन बार, इसका स्पेशल स्पेसिफिक लोकेशन जो है वो है आपका सेंटर बैंड। सो ये सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस ले रहा है। एंड आज के दिन में ड्यूरिंग द मिड ऑफ द डे ये भी एक पिन बार बना है। सो इन्वर्टेड पिन बार वर्सेस द पिन बार। ऑल्दो आज का कैंडल अभी भी पूरा का पूरा यूरोपियन मार्केट बाकी है एंड योर यूएस मार्केट बाकी है, बट लेट अस एज्यूम कि यूएस मार्केट में क्लोजिंग इस टाइप का होते हैं। सो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ इन्वर्टेड पिन बार, नीचे की तरफ पिन बार। सो इन सच केस ये जो इसका इन्वर्टेड पिन बार का हाई एंड पिन बार का लो बिकम्स द क्रूशियल जोन। इस क्रूशियल जोन के बाहर ही हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन दिस वन एनालिसिस, क्योंकि अभी भी यूरोपियन मार्केट एंड यूएस मार्केट का पूरा एक्टिविटीज बाकी है। तो अगर इस टाइप का अगर यूएस मार्केट में क्लोज देते हैं तो हम कैसे एनालाइज करेंगे, वही हमने प्रयास किया है। सो एज ऑफ नाउ जीबीपी डॉलर थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी कल का जो इन्वर्टेड हमारे का हाई है, दैट मींस 1.2683, इसके हाई के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड मोमेंटम ऑन द हायर साइड। ये हो गया आपका जीबीपी डॉलर, अभी जीबीपी आईएनआर। सिमिलरली जीबीपी आईएनआर में कल सेंटर बैंड पे रेजिस्टेंस ले लिया है एंड आज थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। सो अभी ऊपर की तरफ 105.70 एंड नीचे की तरफ आपका 104.60। इस जोन के अंदर में थोड़ा सा टाइम पास करना चाहिए जब तक ये आपका 105.70-80 के ऊपर सस्टेन नहीं करते। यूरो डॉलर कल के दिन में एक बढ़िया सा इन्वर्टेड पिन बार बना हुआ है। इसका लोकेशन कहाँ पे, सेंटर बैंड पे, सेम एनालिसिस दैट वी आर डूइंग इन जीबीपी डॉलर। सो ये जब तक इसके हाई को सस्टेन नहीं, मींस ब्रेक नहीं करते ऊपर की तरफ, तब तक आपका ये ऊपर की तरफ फर्दर और टूवर्ड्स 1.09 1.0950 हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और अभी एज ऑफ नाउ एक पिन बार बना रहा है, हालांकि यूरोपियन मार्केट एंड अमेरिकन मार्केट बाकी है। बट सपोज ये अमेरिकन मार्केट में इस टाइप का एक कैंडल, इन्वर्टेड पिन बार कैंडल बनाते हैं, इन सच ए केस कल का इन्वर्टेड पिन बार का हाई एंड आज का पिन बार का लो बिकम्स द क्रूशियल जोन। इस जोन के बाहर ही एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ दिस इज इनकम्प्लीट कैंडल। अभी जब तक ऊपर की तरफ, जब तक कल के हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करते तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। और यूरो आईएनआर सिमिलरली कल के दिन में एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल बनाया हुआ है। ऊपर की तरफ इट ट्रेडेड हाई ऑफ 90.70 बट कुडंट सस्टेन द हायर एंड एंड गॉट सोल्ड ऑफ टुवर्ड्स 90.17 एंड क्लोज एट 90.35। करेंटली सेम हियर 90.13। तो यहाँ पे क्या है, ये ऊपर की तरफ 91 एंड नीचे की तरफ 89.50 आर द टू क्रूशियल जोन्स।
डॉलर येन में कुछ बीओजे गवर्नर के स्टेटमेंट आया था जिसके कारण एशियन मार्केट में ये थोड़ा सा सेलिंग देखा गया था। आपका कहाँ तक सेलिंग देखा गया था, 150.80 के आसपास सेलिंग देखा गया था, लेकिन वो हवा हवा ये बातें था, कोई स्पेसिफिक एक्शंस नहीं था जिसके कारण ये बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करके अभी 151.44, इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। बेसिकली ये जो जोन है ना आपका 150 50 150 हाफ ऑन द लोअर साइड एंड 152 ऑन द हायर साइड, इट्स अ साइडवेज कंसोलिडेशन जोन एंड कॉज ऑफ कंसर्न इसके लिए है एट ए टिपिकल और एट ए क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन। अगर ये टाइम पास करते हैं दैट मींस इट इज प्रिपेयरिंग फॉर ए ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड। एक बार अगर बीओजे के तरफ से कुछ हिंट मिल जाते हैं ये भाग जाएगा कहाँ के तरफ, जो हमने डिस्कस किया है 164 के तरफ। लेकिन ये एक दिन वाला बात नहीं है, एक हफ्ते का या एक महीने का नहीं है, ये मीन्स कमिंग फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन हो सकता है, प्रोवाइडेड बीओजे लेट येन टू डेप्रिशिएट फर्दर, अगर ऐसा होते हैं तो। अभी आते हैं हमारा ये जेपी वाई आयनर, जेपी वाई आयनर वही कंसोलिडेट करे डिपेंडिंग ऑन आपका डॉलर येन। डॉलर येन अगर तोड़ जाते हैं 153 को ऊपर तो जेपी वाई आयनर भगवान बचाए इसको नीचे की तरफ जाने से। डॉलर कैंडी कंसोलिडेशन जारी है ऑन द हायर साइड 1.36 एंड ऑन द लोअर साइड 1.3350 का। सो इसके नीचे अंदर में कंसोलिडेट होने देते हैं एंड वेटिंग फॉर द ब्रेकआउट। ऑसी डॉलर में भी एक कंसोलिडेशन जोन है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। सीएनएच करेंटली 7.2450, ये पिछले 2-3 दिन पहले एक हाई मारा था आपका 7.2665, लेकिन पीपीओसी इज स्ट्रॉन्गली होल्डिंग द डिफेंडिंग द युआन फ्रॉम फर्दर डेप्रिसिएशन। तो थोड़ा सा रेस्पाइट है एज फार एज द डॉलर रुपीज कंसर्न। अभी आपका ब्रेंट क्रूड करेंटली इज 91.08, जैसे कि हमारा डिस्कशन था, ये ब्रेंट क्रूड इज ग्रेजुअली हेडिंग टुवर्ड्स आपका 93.50 एंड देन 98 के आसपास होते हैं। ओनली थिंग इज द डेली चार्ट में हमें इस टाइप का एक एम पैटर्न नहीं मिलना चाहिए, अगर एम पैटर्न होगा तो एक सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो बाय डिप्स स्टिल कंटिन्यूज और यहाँ पे सिंस मॉर्निंग थोड़ा सा प्रेशर है ब्रेंट क्रूड पे। इसका मेन रीजन आपका ईरान वर्सेस इसराइल का जो न्यूज फ्लो हो रहा है एंड इसराइल इज प्लानिंग टू अटैक द ईरान इज प्लानिंग टू अटैक द इसराइल इम्पोर्टेंट प्लेसेस, जिसके कारण इसराइल ने अपना जितना भी इम्पोर्टेंट ग्लोबली जितना भी इम्पोर्टेंट ऑफिसेस है सब में अलर्ट जारी किया हुआ है। सो हमें इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। यूएस ट्रेड ट्रेजरी 4.33 4.33, ये ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है इट्स ए क्रूशियल। क्या ये जब तक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं देते हैं तो हमें थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न होगा। व्हाई कॉज ऑफ कंसर्न, दैट इज द क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर रेट कट, फेड रेट कट, चाहे वो 6 होगा 3 होगा 4 होगा जो भी होगा, लेकिन कुछ तो करना है। लेकिन द मोमेंट अगर वो फेड बोलते कि नहीं हम तो 3 भी नहीं करेंगे, हम 2 करेंगे या 1 करेंगे या सोचेंगे, तो ये भाग जाएगा ऊपर की तरफ। ये भाग जाएगा तो क्या होगा, ये भाग जाएगा तो इंटरेस्ट रेट सिनेरियोस मीन्स यूएस इकोनॉमी को हर्ट करने वाला है। और आने वाले दिनों में इन केस अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में आने वाले महीनों में बेसिकली और भी नंबर ऑफ बैंक्स स्पेशली द स्मॉलर बैंक्स विल बी अंडर स्ट्रेस, सो व्हिच मे गिव अ साइक्लिकल इफेक्ट ऑन अदर इकोनॉमीज आल्सो। यूएस टू ईयर ट्रेजरी भी ये सपोर्ट के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है तो हमें थोड़ा हमें केयरफुली मॉनिटर करना है। अभी आते हैं डॉलर रुपी पार्ट में। डॉलर रुपी पार्ट में करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 83.27। तो यहाँ पे जो हमने कल का जो मॉर्निंग प्री मार्केट एनालिसिस किया था, हमने क्या किया था, एक छोटा सपोर्ट हो सकता है 83.28 से 83.35, लेकिन हवा घूमने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो वही हो रहा है एक ही दिन में। दैट इज व्हाई इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग 83.28-85 इज द सपोर्ट जोन, आई प्रिफर टू कंसीडर 82.80 से 83.00 इज द सपोर्ट लेवल। सो यहाँ पे अगर देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज, एक बार अगर 83.25 के नीचे क्लोज दे देते हैं तो आने वाले दिनों में रूपी में थोड़ा सा एप्रिसिएटिंग फिगर्स मीन्स प्रेशर एप्रिसिएशन का एक टेंडेंसी हम देख सकते हैं। अभी क्यों एप्रिसिएशन, क्योंकि ये जो करेंसी फ्यूचर में जो लेटेस्ट आरबीआई का इंस्ट्रक्शंस आया
बेसिकली ये लेटेस्ट नहीं है, जनवरी मंथ में आया था लेकिन एक दो तारीख से पूरा का पूरा मार्केट में केवस क्रिएट किया, जिसके कारण 5 अप्रैल ऑनवर्ड्स सबको अपना अंडरलाइन के बेसिस में ही ट्रेड करने के अलाउड था, जो करेंटली इट इज एक्सटेंडेड टू 3rd of May। तो इसके कारण कल के इवनिंग में मीन्स मस स्क्वायर ऑफ स्क्वायरिंग द पोजिशंस चला गया, जिसके कारण यहाँ पे डॉलर रूपी में एक प्रेशर देखा गया था। ऑल्सो आप INR, GBP INR, EUR INR सब में आप देखो कि एक वीक बनाया हुआ है, मीन्स तो जिसके कारण पोजीशन मास्क। अभी ये क्या हुआ, मीन्स लार्ज स्केल में पोजीशन स्क्वायर अप होने के बाद अभी क्या है, व्हाट नेक्स्ट, अभी इट विल फॉलो द नेचुरल कोर्स। क्या नेचुरल कोर्स है, डॉलर रुपए का अपना जियोमेट्री है, प्लस और क्या क्या है, CNH एंड डॉलर इंडेक्स एंड ऑल्सो इनविजिबल हेड्स, सो दिस फैक्टर्स विल स्टार्ट इम्पैक्टिंग द डॉलर रुपी इन इट्स ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सो अभी ये नीचे की तरफ 82 से 83.00 एज अ सपोर्ट लेवल एंड ऊपर की तरफ 83.50 से 83.70 एज द रेजिस्टेंस जोन, इसके बीच में हम आप अपने हिसाब से लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग करके खेल सकते हो या शॉर्ट करके खेल सकते हो, जैसे भी आपको खेलना है। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना है, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।